हाय फ्रेंड्स, वीपी ब्यूटीफुल आर्ट एंड आइडिया चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको एकदम स्पेशल में गिफ्ट पैकिंग दिखाने वाली हूँ। उसके लिए आपको चाहिए ग्लिटर पेपर या कोई अदर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं घर पे तैयार करे सो पेपर यूज़ कर रही हूँ, सीज़र, पेंसिल, एरेजर। और चलो शुरू करते हैं, वीडियो को लंबी ना करते हुए सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसे प्रेस कर लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है वो हम सीज़र की हेल्प से इसे कट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ग्लिटर पेपर या अदर पेपर मार्केट से अच्छा वाला परचेस कर सकते हो। और इसे ओपन करेंगे, एक और बार हम इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और इसे अच्छे से सेट करते हुए प्रेस करेंगे ताकि हमें एक अच्छी सी लाइन मिल जाए। इसे ओपन करेंगे, हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल चुकी है और ये क्रॉस लाइन भी मिल चुकी है। इस तरह से और एक हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है तो कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसे हम प्रेस करेंगे ताकि एक और एक स्ट्रेट लाइन अच्छे से मिल जाए। इसे ओपन करेंगे, जो फ्रंट में प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हमें बैक साइड में फॉलो करना है। क्रॉस में फोल्ड करना है और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे वापस। इसे ओपन करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की तरह हम फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे वापस। ओपन करेंगे, एक और स्ट्रेट लाइन हमें लेनी है तो वापस फोल्ड करेंगे अच्छे से प्रेस कर लेंगे वापस। ओपन करेंगे, अब हम इसे क्रॉस में फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। एक और बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और अच्छे से सेट करते हुए इसे प्रेस करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन हमने फोल्ड करके ली थी ये वाली, अभी हम इस स्ट्रेट लाइन को टच करते हुए राइट साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। हमें दोनों साइड अलग अलग डिज़ाइन बनाना है, राइट साइड में अलग बनाएंगे और लेफ्ट साइड में अलग डिज़ाइन बनाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं किस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये वीडियो ब्रासलेट के लिए है, आप उधर जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, तो कुछ फाइनली इस तरह से हमें डिज़ाइन बन चुका है। इससे थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में आ जाए। अभी अच्छे से दिख रहा होगा आपको, इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। अब हम इसे इस डिज़ाइन के ऊपर से ही सीजर से कट करेंगे और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल देंगे। आप इसे खाली वेस्ट वैलेंटाइन डे के लिए नहीं, बर्थडे पार्टी या पार्टीज के लिए भी इस गिफ्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इस क्रॉस लाइन को भी हमें कट करना है कुछ इस तरह से।
इसे साइड में कर लेते हैं। ये कट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। इस साइड से इसे ओपन करते हैं, वापस हमें इसे फोल्ड करना है। अच्छे से प्रेस करते हुए चारों साइड से हमें फोल्ड करना है इसे। अब बीच में आप जो गिफ्ट देना चाहते हो उसे बीच में रखना है। और आप देख सकते हो कि मैं इसे किस तरह से पैक कर रही हूँ। इस तरह से हमें इसे पैक करना है और इसे थोड़ा अच्छे से सेट कर देते हैं तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। जो हार्ट शेप का दिख रहा है आप उसे चाहे तो ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो। तो फ्रेंड्स इसे साइड में कर देते हैं थोड़ा। तो फाइनली हमारा गिफ्ट पैक हो चुका है। तो फाइनल लुक इस तरह से दिखाई देता है। एक्स्ट्रा आप आर्टिफिशियल स्टोन से भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। उसके बाद जो मैं बेल आइकन रहेगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। और नई वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं।